मनोज भाई सुन रही हो? ए मनोज भाई, पता नहीं औरत कौन कौन से काम करती रहती है, कितना भी चिल्ला लो इसे सुनाई ही नहीं देता है। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए बैठिए, सुनाइए घर का समाचार। मम्मी जी घर का सब समाचार ठीक है, अपना बताइए। हमारा भी समाचार ठीक ही है। अच्छा मनोज बाबू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं गए हैं का? हाँ गए हैं, कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए बात करने के लिए गए हैं, बस आने ही वाले हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आने दीजिए। ए मनोज बाबू सुनाई नहीं दे रहा तुमको? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? अरे तुम्हारे जीजा जी आए हैं, कुछ पानी पीने के लिए लेकर आओ। क्या हमारे जीजा जी आए हैं? सुनकर सोचे पड़ गई क्या, जल्दी से पानी पीने के लिए लेकर आओ, फिर सोचती रहना। ओह नो, प्रणाम करते हैं जीजा जी। खुश रहो, भगवान करे आपको दो लड़का और हो। जीजा जी आप भी खूब मजाक करते हैं, दो को संभालने में हाथ खराब हो जा रहा है, मुझे और दो की जरूरत नहीं है। अरे बैठे बैठे यही बात करोगी कि घर में ले जाओगी? जाओ घर में लेकर। चलिए जीजा जी रूम में खाना खा कर जाइएगा। ऐसे भूख तो नहीं लगा है, लेकिन क्या बनाई हो? दाल चावल सब्जी और रोटी बनाई हूँ, क्या खाइएगा बोलिए, मैं बनाती हूँ। बनाना क्या है, तुम तो पहले से ही बना कर रखी हो, बस तुमको केवल खिलाना है। अरे बाबा क्या खाइएगा बोलिए तब ना खिलाऊंगी। मुझे उठलाली के साथ रोटी बोर कर खाना है। अच्छा ठीक है, किसी दूसरे दिन खिला दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, शादी में आइएगा तो वहीं खिला दीजिएगा। अच्छा ठीक है,